लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आज है आपकी 1 दिसंबर और आज के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पर आपको जीके के क्वेश्चन डेली हम यहाँ पर डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी जीके भी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर हरियाणा? दोस्तों देखिए क्वेश्चन है आपका कि 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो आपको आंखें बंद करके टिक करना होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ओडिशा। ओडिशा के बारे में की पॉइंट देख लीजिए, ओडिशा ये वाला पूरा हिस्सा है इंडिया का देख लीजिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी है, गवर्नर गणेशी लाल और राजधानी भुवनेश्वर है। ओके, अगर आपको ओडिशा के जीके से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर तो वो क्या क्वेश्चन होगा, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस जगह पर है? ओडिशा में है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें भी नामित किया गया है। साथ ही में आप याद रखिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने बनाया था, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा वरना एग्जामिनर आपको भूल जाएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण किया है? यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि पुराने जमाने में जो ट्रेन चलती थी, यानी कि अभी तक जो ट्रेन चलती है वो डीजल से चलती है। ओके, आपको पता होगा अगर ट्रेन में बैठे तो धुआं ही धुआं दिखेगा इंजन के पास, अब वैसा नहीं होगा, उसमें जो है विद्युतीकरण आ चुका है और पूरी ट्रेन विद्युतीकरण करेगी। भारतीय रेल नेटवर्क जो है दोस्तों उसमें ब्रॉडगेज अभी 82% विद्युतीकरण अपनाया है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 82%। ओके, यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इंडियन रेलवे जो है उसकी स्थापना 8 मई 1945 को की गई थी और 1951 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। ओके, इसके प्रमुख व्यक्ति केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है और रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विन लोहानी जी है। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिए। और दूसरा जीके का कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा तो आपसे पूछ लेगा कि रेलवे के जनक किसे कहे जाते हैं, तो याद रखिए जॉर्ज स्टीफेंस। ओके, इस बात को नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों याद रखिए कि अभी केम्पेगौड़ा की 108 फीट जो ऊंची प्रतिमा है उसका अनावरण किस जगह पर किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु। ओके, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माधव हाड़ा, मधु कांकर या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों बिहारी जो पुरस्कार है उसके लिए अभी माधव हाड़ा और मधु कांकरिया यानी कि उपरोक्त दोनों जो है उसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। और अभी बात करें हम उस पुरस्कार के, बिहारी पुरस्कार के बारे में, तो देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1991 के ईस्वीसन में कवि बिहारी लाल के नाम से स्थापित यह पुरस्कार केवल राजस्थान के किसी लेखक को प्रदान किया जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ ले बिहारी पुरस्कार के बारे में तो आपको बताना होगा क्या कि यह राजस्थान के जो लेखक होते हैं उसके लिए दिया जाता है जाने वाला एक पुरस्कार है। ओके, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? दोस्तों देखिए नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बन चुके हैं और आपको तो पता होगा एड्स भी उसकी बहुत सारी आने लगी है। नीरज चोपड़ा जो है अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में स्विट्जरलैंड के बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा स्विट्जरलैंड। ओके, जहाँ पर घूमने वाला देश आपको पता होगा स्विट्जरलैंड ही होगा, इंडिया से बहुत सारे लोग स्विट्जरलैंड ही घूमने जाना पसंद करते हैं। ओके, अभी स्विट्जरलैंड देखिए वर्ल्ड मैप में छोटी सी कंट्री यहाँ पर दिखाई दे पड़ती है आपको, इसके राजधानी बर्न नाम से जानी जाती है। मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है तीसरे स्थान पर आता है और उसका आप कोई पूछ नहीं लेगा लेकिन आपकी नॉलेज के लिए 0.917 है। ओके, देख लीजिएगा यहाँ पर, जो कि बहुत ज़्यादा अब कहा जाता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? भूटान, भारत, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं? दोस्तों देखिए अमेरिका जो है इसने अभी भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब क्यों हटाया है इसमें आपको नहीं पढ़ना है। इसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लीजिए।
अरुणा मिलन ने अमेरिकी राज्य मेरिलैंड के उपराज्यपाल का पद संभाल रखा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, देख लीजिए, हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? हिमा दास, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके पीवी सिंधु बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में RIL किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित होगा, तो तमिलनाडु आंखें बंद करके क्लिक कर दे, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राइट ऑप्शन होगा। अब तमिलनाडु के बारे में देखिए कि मुख्यमंत्री जो है MK स्टालिन जी है, गवर्नर रविंद्र नारायण रवि है और राजधानी चेन्नई है। ओके, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण अधिसूचित किया है। अगर भरतनाट्यम की बात आ जाए दोस्तों कहीं पर भी, तो आपको सीधा याद आ जाना चाहिए क्या, सीधा तमिलनाडु। ओके, इसके बावजूद यहाँ पर देखें कुछ और भी दिया गया है तमिलनाडु के बारे में। पेगेट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है। तमिलनाडु के कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी भी दी है। आपको पता होगा रमी सर्कल है, अभी बहुत सारी गेम्स है ऑनलाइन, आपको जुए वाली गेम्स है सारी, आपको जंगली रमी याद आया, आपको उसके मैसेज बहुत आते हैं सभी को, वो वाली गेम्स। ओके, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति, वन्य जीव, स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों अभी देखें कंबोडिया जो है उसके MOU पर भारत ने संस्कृति, वन्य जीव और स्वास्थ्य के लिए हस्ताक्षर किया है, इस बात को याद रखिए कंबोडिया। अब कंबोडिया जो है यहाँ पर देखिए वर्ल्ड मैप में यहाँ पर दिखाई देगा आपको, छोटी सी कंट्री ग्रीन कलर की दिख रही है। कंबोज या कंबोज कंबोडिया का प्राचीन संस्कृत नाम है और राजधानी और सबसे बड़ा नगर नाम पेन है, इस बात को याद रखें, नाम पेन। ओके, हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत किया है? 7.4%, 5.8%, 7% या फिर 9 of 30। तो दोस्तों देखिए मूडीज जो है उन्होंने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7% लगाया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 7%। ओके, हाल ही में आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? चीन, भारत, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि आतंकवाद के वित्त पोषण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। ओके दोस्तों, आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।